सतना में नाबालिग लड़की के दैहिक शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोपी अतीक मंसूरी और सिकंदर के पॉलिटिकल कनेक्शन को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस नेताओं पर उसे संरक्षण देने का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं अब इसी मामले पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सामने आ गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सिकंदर के कांग्रेस से कोई नाता नहीं है। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने इन्हें पहले ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई, जिसके बाद युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।